आपको मोबाइल चाहिए ना? XYZ007। लेकिन बबीता जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? क्या कि स्टॉक खत्म हो गया है, अभी XYZ007 का एक भी पीस नहीं बचा है। अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? अरे सेठ जी, स्टॉक तो भरपूर है। हाँ, पूरे 50 पीस पड़े हैं, मैं अभी गिन के आ रहा हूँ। अरे नहीं है भाई, स्टॉक में नहीं। सेठ जी, मैं अभी गिन के आया हूँ। मैंने बोला ना, नहीं है। सॉरी बबीता जी, नहीं है। जेठा जी, अभी तो अपने मेरे सामने कस्टमर को कहा कि जितने मोबाइल चाहिए उतने मिल जाएंगे, और बागा भाई भी तो कह ही रहे ना कि स्टॉक में मोबाइल है। वो क्या है, उसके देखने में जरा भूल हो गई है, स्टॉक में है, लेकिन वो XYZ005 नंबर का जो मॉडल है ना, वो है, उसका स्टॉक है, 007 के नहीं है पीस। नहीं 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 सेठ जी, मैं XYZ007 फोन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप चलिए मेरे साथ। अरे भाई तो शांति रखना, दोनों मोबाइल में बहुत बारीक सा फर्क है जो सिर्फ मुझे पता है, हा? नहीं है, नहीं है बबीता जी। नहीं नहीं सेठ जी। अरे बागा, तुझे ज्यादा पता कि मुझे पता? ठीक है, जैसी जिसकी सोच। सॉरी हाँ बबीता जी। डोंट वरी जेठा जी, मैं आपका नुकसान नहीं करवाऊंगी। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि यही एक मौका है पैसे कमाने का, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। ए, बबीता जी, आप क्या बोल गए? डिस्काउंट की बात ही नहीं है। अरे मैं तो पूरा मोबाइल आपको फ्री में देना चाहता हूँ, लेकिन स्टॉक ही नहीं है तो क्या करूँ मैं? मैं क्या कहता हूँ, कल मैं आपके लिए मंगा देता हूँ, आज एक दिन जरा सब्र रखिए आप प्लीज। जेठा जी देखिए, मुझे ये मोबाइल आज क्या चाहिए, प्लीज कोई रास्ता निकालिए प्लीज। अरे बबीता जी, आप प्लीज मत बोलिए, प्लीज। आप प्लीज बोलते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत तकलीफ होती है। देखिए बबीता जी, कोई रास्ता निकलता तो मैं जरूर निकालता। जेठा जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? सॉरी 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 बबीता जी, मैं मजबूर हूँ। मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ आपके अय्यर भाई की सरप्राइज के लिए कर रहा हूँ। इट्स ओके जेठा जी, मैं एक्चुअली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी दुकान समझ कर आई थी, बट आई गेस मैं गलत थी। नहीं नहीं बबीता जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत सॉरी हूँ, लाख बार सॉरी, करोड़ बार सॉरी प्लीज, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए, ये आप ही की दुकान है बबीता जी। इट्स ओके जेठा जी, नो प्रॉब्लम, बाय, थैंक यू। साल के पहले दिन बबीता जी दुकान में आए और नाराज होके चले गए। कोई बात नहीं सेठ जी, बी पॉजिटिव। एक बात अच्छी हुई कि हमारा झूठ पकड़ा नहीं गया। एक्सक्यूज मी, मिस्टर जेठालाल गड़ा जी, बोलिए। जी मैं सूरज का पापा, वो टप्पू और सूरज एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो टप्पू का फोन आया होगा ना मोबाइल के लिए। जी 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 हाँ। नटू काका, जरा बिल बना के दे दीजिए मोबाइल। सब रेडी है सेठ जी, रेडी। अच्छा, है। अच्छा, आइए जरा पेमेंट दे दीजिए वहाँ पे। वैसे जेठालाल जी, इस मॉडल का एक फोन मेरे दोस्त को भी चाहिए था, मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, बहुत है स्टॉक में। ठीक है, थैंक यू जी। जेठा जी, अब तक तो मुझे डाउट था, पर अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जेठा जी। बबीता जी देखिए, मेरी बात सुने बबीता जी, बबीता जी। ए भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पता नहीं बबीता जी मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे।